से काफी महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और परसेंटेज तो पढ़ ही रहे हैं, परसेंटेज में भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। वीडियो को पहले लाइक करिएगा, लाइक करने के बाद तब आगे कोई काम करिएगा। और सबसे बड़ी बात है आपकी क्लास के लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं जहाँ पे हम परसेंटेज का आज एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में बहुत कुछ अलग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको प्रीवियस जितने प्रश्न पढ़े हैं उसी के आधार पर आज का प्रश्न आपको हल करना है। कोई चीज़ें नई नहीं पढ़नी, कोई चीज़ें नया आपके लिए नहीं है, सभी चीज़ें यथास्थिति पुराने की तरह है। चलिए प्रश्न लिखिएगा। एक महिला ने 300 सेब बेच दिए। एक महिला ने 300 सेब बेच दिए। ध्यान से लिखिएगा प्रश्न। एक महिला ने 300 सेब बेच दिए। अब उसके पास 40% सेब बचे हैं। एक महिला ने 300 सेब बेच दिए। अब उसके पास 40% सेब बचे हैं। तो बताएं कि महिला के पास प्रारंभ में कितने सेब थे। प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ। एक महिला ने 300 सेब बेच दिए। अब उसके पास 40% सेब शेष बचे हैं। तो बताएं कि प्रारंभ में महिला के पास कितने सेब थे। तो जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। मैंने प्रश्न को रिपीट कर दिया, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। एक महिला ने 300 सेब बेच दिए। अब उसके पास 40% सेब शेष बचते हैं। तो बताइए कि प्रारंभ में उस महिला के पास कितने सेब थे। आइए हम पहले हल करते हैं। सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। इलेनी दुर्गेश की ये ऑनलाइन क्लास के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि सभी क्लास के नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च कर इलेनी दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं। हमें संख्या से मतलब नहीं, हमें सलेक्शन से मतलब है। हम सलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि एक महिला के पास 300 सेब बेच दिए, 40% सेब होते हैं। मैं प्रारंभ से बताते आ रहा हूँ कि जो परसेंटेज होता है वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो माना जो महिला थी उनके पास कुल 100% सेब थे, और जब 100% सेब था, ध्यान देखिएगा, 100% सेब में उसके पास 40% बचे हैं, तो महिला ने कितने बेचे। तो आपने उसमें से क्या किया, 40% हमने निकाल दिया। अब जो महिला के पास बचा वो कितना बचा, 60% से बचा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? एक महिला ने 300 से बेच दिए। अब उसके पास 40% से शेष बचते हैं। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। अब हमने क्या लिखा कि 100% सेब अपने आप में होता है, 40% अभी बचे हैं, तो महिला ने कितने बेचे। तो आपने कहा सर महिला ने तो 60% सेब बेच दिया। और जब महिला ने 60% सेब बेच दिया, तो आइए ध्यान से देखते हैं आगे के प्रश्न को हल करते हैं। तो भैया, तो हम यहाँ जानते हैं 60% सेब बेचा और यह सेब 300 सेबों के बराबर थे। क्लियर है यहाँ तक? भाई 60% सेब उसने बेच दिया, उससे कितने के बराबर थे? तो पता चला जी वो जो सेब थे वो 300 के बराबर थे। 1% बराबर हमने पढ़ाया है, तो 1% बराबर 300/60। अब पूछा है कुल सेब, तो कुल सेब मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन बता दिया था, कुल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ कुल के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे? कुल के लिए गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, यह लड्डू से कट गया, 6 कम 6 6 5 3 5 गुणा में 100 करेंगे, तो उसके पास प्रारंभ में 500 से थे। उस महिला के पास प्रारंभ में 500 से थे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोग का? या मैं दोबारा रिपीट करके आपको बताऊं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्रैश करेंगे, जो फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर देंगे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, लाइक करने का मन होगा तो लाइक कर देंगे, आप सबकी इच्छा है। लेकिन टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। एक महिला के पास
40% से बचे हैं उसने 300 से बेच दिया। अब हमने यह देखा कुल सेव अपने आप में 100% होता है, 40% बचे हैं तो उसने बेचे कितने 60% और 60% का मान 300 दिया है। इस प्रकार 1% बराबर 300/60 कुल पूछा है तो गुणे 100 करना। अलग लाइन में करिए उसी लाइन में करिए आपकी इच्छा है, हमें समय बचाना है, हमें प्रश्न की भाषा पे ना जाकर हमें प्रश्न को लगाने के तरीके बजाना है तो गुणे 100 करेंगे, इस प्रकार 500 से आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए जाए, अगला प्रश्न लिखा जाए। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इशू होने की वजह थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन वीडियो देखते रहेगा कुछ तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो सकती है नेटवर्क इशू होने की वजह से। अगला प्रश्न लिखिएगा आप सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग लिखिएगा। एक परीक्षा में 22% अंक अर्जित किया, 22% अंक पाया, 22% अंक पाया, 22% अंक पाया जो कि 88 अंक थे। तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। जो भी लाइव है वो सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग सवाल का जवाब दें। ये क्लास पूरी तरह से लाइव आपके लिए चल रही है, क्लास के लिए चल रही है और आप लोग इसे देखें या बाद में इसे शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक, सभी लोग के लिए है। अगर आपने अभी पेड क्लास नहीं लिया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं। कह रहा है कि हाँ, एक परीक्षा में 22% अर्जित किया, यदि वह 88 अंक के बराबर है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि जो परीक्षा का पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100%, मतलब दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। आइए इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं, आप लोग के उत्तर सही आ रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके समझ में आ गए हैं, यह बात तो पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, इस प्रश्न को हल करते हैं। जब हल करेंगे तो हमें क्या करना है, कुछ विशेष नहीं करना है। हमने ये देखा कि एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 22% अंक अर्जित किया, अंक कितना पाया 22% अंक पाया, और जब 22% अंक पाया तो कितने अंकों के बराबर है। हमने देखा कि जो 22% अंक थे वो कितने 88 अंकों के बराबर थे। और 88 अंक के बराबर थे तो हमने यहाँ देखा कि 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर यहाँ पे हमने लिखा 1% बराबर 88/22 परसेंटेज के लिए। अब क्या करेंगे, अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक हमें आपको ज्ञात होना चाहिए, परीक्षा का पूर्णांक हमेशा अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, तो हम क्या करेंगे इसका गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे इसका गुणे 100 करेंगे, 22 का 22, 22 चौके 28 तो क्या हो जाएगा 400। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा 400। अगर आप लगातार क्लासेज अटेंड करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर यह पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस तरह के प्रश्न को आप एक एक लाइन में लगा सकते हैं। अगर नेटवर्क इशू होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो, वीडियो में दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिएगा, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे या बाद में वीडियो को सही कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो क्लास स्टार्ट रहे, क्लास कंटिन्यू रहे, तो हम लोग को बाहर बात टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली, लाइट, आंधी, तूफान, इन सभी की वजह से समस्याएं हो सकती हैं, बेमौसम के ये सब होना, प्रकृति का कहर बरपाना। आगे लिखिएगा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितने लोग लाइव देख रहे हैं, चाहे जहाँ पे देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न आप लोग लिखिएगा, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं अगला प्रश्न लिखिएगा। एक परीक्षा में 20% अंक अर्जित किया, 20%
अंक अर्जित किया, 20% अंक अर्जित किया। और वह 110 अंक प्राप्त किया, इस प्रकार परीक्षा का पूर्णांक क्या था, कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। आइए इसको हल करते हैं। हमने क्या कहा कि एक परीक्षा में कितना था, मैं तो भूल गया प्रश्न, एक परीक्षा में एक बच्चे ने 20% अंक प्राप्त किया, जो कितने अंकों के बराबर थे, जो 110 अंकों के बराबर थे। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, देख रहे कितना जल्दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। माने जो उसने 20% अंक अर्जित किए हैं वो 110 के बराबर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 1% बराबर, हमने और आपने पढ़ा है कि 1% बराबर 110 बट्टे 20 कुल पूर्णांक के लिए गुणे 100, 20 का 20, 20 पंजे 100, 11 पचे 55, 550। तो जो परीक्षा का पूर्णांक है वो 550 होगा। जी हाँ, जितने लोगों ने परीक्षा का पूर्णांक 550 बताया है उन सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही है। लेकिन अब हम लोग परीक्षा का जो पैटर्न है, जो परीक्षा का प्रश्न है, अब उसमें थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस बदलाव के साथ आप लोग और बेहतर तरीके से सीखेंगे। अब प्रश्न को ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि अब गलती करेंगे तो गलतियां ज्यादा हो जाएंगी। एक परीक्षा का भाषा थोड़ा क्रिस्टलीय है, भाषा थोड़ा सा टेढ़ा है। एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30% था। एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30% था। एक लड़के ने उस परीक्षा में 125 अंक अर्जित किए, 125 अंक अर्जित किए, 125 अंक अर्जित किए और वह 25 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाता है। और वह 125 अंकों से सॉरी 25 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30% था। एक अभ्यर्थी उस परीक्षा में 125 अंक अर्जित किया और 25 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया तो बताइए कि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था तथा परीक्षा का पूर्णांक क्या था। न्यूनतम उत्तीर्णांक और परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ठीक है। आइए हम लोग इसे हल करते हैं और पढ़ जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये कोई परीक्षा थी और जो परीक्षा था उसका जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था, वो 30% था। कितना था, 30%, मतलब 30% था ये।
अब कोई भी बालक या कोई बालिका, एक परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तरांक था वो कितना था? 30% था। एक अभ्यर्थी, एक लड़का उसमें 125 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक? 125 अंक प्राप्त करता है, किंतु पास नहीं होता, फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 25 अंकों से। मतलब बात साफ है, अगर वो 25 नंबर और पा गया होता, अगर उसे 25 मार्क्स और मिल गए होते तो परीक्षा पास हो जाता। मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस 25 कर देते तो लड़का क्या होता? परीक्षा पास हो जाता। प्रश्न को गौर समझिएगा, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तरांक 30% था, एक अभ्यर्थी 125 अंक प्राप्त कर 25 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या? अब क्या करेंगे? 30% बराबर 125 प्लस 25।